डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल टू माय इंग्लिश क्लास आम गोटे वीडियो रे एट द हाई स्कूल चैप्टर रो पार्ट वन कंप्लीट करथिले सेथिरे आम तीनोटी पार्ट पढ़ी पारा वन टू पारा थ्री आम कंप्लीट करथिले भावुची तुम भितर समस्ते से वीडियो निश्चय देखिथिबो जे माने भी देखिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिहाइछि लिंक उपर क्लिक करी वीडियो को निश्चय देखो तापर ए वीडियो देखिबो से वीडियो रे आम पारा वन टू थ्री पढ़ी महात्मा गांधी विषय में तुमको किसी क्वेश्चन आंसर मुझे पारा वाइज तार आंसर आज डिस्कसन करी कही कितु मुझे डिसाइड कर समस्त क्वेश्चन आंसर को लेकिन मुझे गोटे भिड प्रिपेयर करी तेणु आम आए क्लास चैप्टर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा आज खाली आम पारा फोर फाइव सिक्स सेवेन पढ़ीदे आ समस्त को वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबे आ जो होमवर्क दिया हबो ताको सात दिन भितर कंप्लीट करो समस्ते निज मन करने चेष्टा करो कौन बुझिल तापर जेतले मु क्वेश्चन आंसर वीडियो नेके आसीबि तुम्हें जानी परिबो तुम्हें केते सिखिछ तुम्हार केते ठीक अछि बुझियौछि तला आम पढ़ी कौन महात्मा गांधी विषय में पढ़ी से कौटी अर्ली एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा कौटी थी से विषय पढ़ी आम पढ़ी जे ही वाज नॉट गुड एट स्टडीज पाठपढ़ा भल ना बट ही हैड बैड इन हैंड राइटिंग एंड गुड इन कंडक्ट से विषय में पढ़ी बुझे पारा वन आम पढ़ी कौन ना महात्मा गांधी टोल दैट ऑल्दो ही वाज नॉट गुड एट स्टडीज जेहतर पाठपढ़ा भल ना हिज टीचर्स लाइक हिम शिक्षक मैंने पसंद करुले ही ऑल्सो टोल्ड हाउ ही वन प्राइजेस आहरी से कमी प्राइज जीति एंड रिसीव स्कॉलरशिप कौन स्कॉलरशिप पाई आम पढ़ी लास्ट क्लास में तुम्हें डिटेल्स वीडियो देखने पाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे इट इन आट इयरली क्लासेस कौन कम पाई पारा टू में आम पढ़ी गांधी टोल्ड हाउ ही बिकम सेफगार्ड ऑफ हिज कैरेक्टर के कैरेक्टर से जगी थे बुझे इट गोटे सेन्टेन्स को मुझे छाड़ी बै मिस्टेक तो कहीदे द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज द लिस्ट लिटिल मीन्स भेरी स्मल लोएस्ट सब कम ब्लेमिश ब्लेमिश मान हूँ आम ब्लाक स्पट कहपर कला दाग व मोराल डिफेक्ट किसी जब आम भूल करदे गांधी बै मिस्टेक ड्रू टीयर्स टीयर्स फ्रॉम हिज आईज आखिर लुह जरूरत बै मिस्टेक छाड़ दे जेहतु मोबाइल रे बहुत छोट छोट वीडियो कला बेल देखा जाऊनि गोटे गोटे सेन्टेन्स तथापि ठीक अच्छे किसी असुविधा ना तो आम ये पढ़ी पारा टू में बुझीपार समस्त बुझी भल भाव तापर से हेडमास्टर कथा कही कमी पनीशमेंट जो पाई कर्पोराल पनीशमेंट दंड जो पाई विषय डिस्क्राइब करपर दोराबजी इदलजी जिमी पिक्चर आम देखी हेडमास्टर पर्सनालीटी विषय में पढ़ी व्हाई कुड नॉट गांधी पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड एक्सरसाइजेस कहीं पार्टिसिपेट कर पार ना से विषय पढ़ी पारा थ्री आम पढ़ी हाउ ही सॉल्वड हिज फादर से कमी बापा सेवा करुले एंड इनसीडेंट हैपेंड ऑन सैटरडे वन इनसीडेंट गोटे दुर्घटना शनिवार दिन घटी मन पड़ी तुम व्हाई ही वाज फाइंड और हाउ मच के फाइन कराइला आते टा फाइन दे बुझे तो आम बर्तमान पारा फोर टू पढ़ा आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग जिते मुझे तुमको लास्ट क्लास भाया कहूँ जो तुम्हें पढ़व कौन कर तुम नोट आउ पेन नहीं आस जहाँ भी डिफिकल्ट वार्ड जो कह तुम्हें नोट कर नब खातर आम जो नोट प्रिपेयर करवा जो क्वेश्चन आंसर से तुम्हें डिफिकल्ट तुमको शो करदेवि बुझीपार छे बर्तमान तुम्हें खाता पेन नहीं आस पारा फोर टू पारा सेवेन आम पढ़ा जहाँ भी डिफिकल्ट वार्ड आसब मुझे कहबी तुम्हें खातार लिखिदेव बुझीपार छो मो कथा तेल आम विषय स्टार्ट करवा आट द हाई स्कूल यहाँ हूँ सेकेंड भिडियो आई वाज कन्विक्टेड अफ लाइंग कन्विक्टेड मान टू फाइंड समबडी गिल्टी दोषी सब्यस्त होगा तेल किए दोषी सब्यस्त होते महात्मा गांधी कहीं जान तुम्हें पढ़ी जे ही वाज फाइंड कहीं बिकज ही वाज आबसेंट से आबसेंट थे सी लेट्रे पहुँचे कि भाविले से आबसेंट अच्छे वन और टू वाणा फाइन होता मन पड़ी तेणु आई वाज कन्विक्टेड पैसिव लिखाई है आई वाज कन्विक्टेड अफ लाइंग दैट मीनस आई वाज फाउंड गिल्टी मत दोषी बोली विचार करागला कन्विक्टेड दोषी सब्यस्त होली मुझ दैट डीपली पेन्ड मी डीपली मीनस गभीर भाव मैंने अत्यधिक भाव बुझे समस्त भाविले ये दोषी बोली तेल आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स थॉट दैट आई वाज टेलिंग ए लाइ मु मिछ कह समस्त भाविले हाउ वाज आई प्रूव ही वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस मुझे केमी मोर इनोसेंस निरीहता को मुझ
प्रमाण करी बुझी आई कैन नॉट टॉलरेट दिस होई पाले नहीं आई कुड नॉट फाइंड एनी वे और सॉल्यूशन टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई वाज टेलिंग द ट्रुथ मुझ सत कहूँ मिछ कहूनी बोली समस्त जो भावु जो मिछ कहूँ बोली यथाटा को प्रमाण करने सत कौच पाखे किसी सल्यूसन ना बुझीपार आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट अल्सो बी ए मैन ऑफ केयर आई सॉ दैट बा आई थॉट दैट गांधी कहते ए मैन ऑफ ट्रुथ जे सत कथा कहे जो लोकटी मस्ट अल्सो बी ए मैन ऑफ केयर सी भी किसी तरह बुझा शक्ति थी किसी अंडरस्टैंडिंग पावर थी हि सुड भी कनसीडरेट से कनसीडर हो निश्चित दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल दिस वाज द फर्स्ट टाइम यहाँ मोर फर्स्ट टाइम था फर्स्ट एंड लास्ट आम कहे यहाँ तुम फर्स्ट एंड लास्ट चांस कहे तेना फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस था इंस्टेंस मीनस एग्जांपल उदाहरण था ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल स्कूल मोर दायित्वहीनता केयरलेसनेस और रेकलेसनेस आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनाली सक्सेडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन मोर जस्ट मन अच्छे आई जस्ट रिमेम्बर्ड सामान्य मन अच्छे मोर अधा अधा दैट आई फाइनाली सक्सेडेड शेष सक्सेडी सफलता दे इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड फाइन मोटू रिमिट कराई बुझीपार रिमिटेड ये भर फर्म हो नाउन फर्म हो रिमिटांस आर एम आई डबल टी एन सी मैंने कैनसल होता बात होता मोर मत फाइन देवाक पड़ नाला द एक्जिमिशन फ्रम एक्सरसाइज व्वाज अफकोर्स अबटेन्ड आज माई फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर सेइंग दैट ही वांटेड मी आट होम आफ्टर स्कूल द एक्जिमिशन एक्जामिशन मान हूँ मोटर जो उठाई नहीं मत मुक्त कराई फ्री कराई मोर एक्सरसाइज रु जो व्यायाम रु व्वाज अफकोर्स अबटेन्ड से कहीं अबटेन्ड होता विड्र कराई कहीं कमी आज माई फादर रोट हिमसेल्फ जिते मो फादर मो बापा रोट हिमसेल्फ निजे लिखी थे टू द हेडमास्टर हेडमास्टर पाख को क्या पाक लिखी टू द हेडमास्टर तो राबजी इदलजी जिमी सेइंग दैट ही वांटेड मी आट होम आफ्टर स्कूल जे से स्कूल पर मत दरकार करुँ भाभी बुझीपार एक कथा मन रही है आई जस्ट रिमेम्बर दैट आई हाड नॉट पेड माय फाइन्स माय फाइन वाज कैनसल्ड और रिमिटेड आज माय फादर रोट ए लेटर टू आवर हेडमास्टर सेइंग दैट ही नीडेड मी वेरी मच दुटा थिंग्स ये कैनसल होता गोटे हूँ रिमिटांस ऑफ फाइन मन रखा पे रिमिटांस लिखनी नोट कर आर एम आई डबल टी एन सी रिमिटांस ऑफ फाइन मैंने फाइन छाड़ पड़ी था गोटे हूँ एक्जेम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज एक्सरसाइज व्यायाम रू मुक्त कराई से व्यायाम कर भल ना से व्यायाम भी करेंगे ना कहीं मन रखा पे मैंने बिकज हिज फादर रोट टू द हेडमास्टर सेइंग दैट ही वांटेड मी आट होम आफ्टर स्कूल बुझ पार्छ जो बापा चाहती पुओ बापा पाखे रो सेवा करू से बापा लिखिले हेडमास्टर पाक गोटे लेटर तर दीटा जिनस क्यासल होता गोटे फाइन टाइम एमिट होता गोटे हूँ एक्सरसाइज रू से फ्री होते पारा फोर कम्प्लीट आम पारा फोर पारा फाइव एक्सरसाइज मुझे तुमको आक्टिविटी तुमको पचरे का देखेदेवी तर पारा फाइव पढ़िया बट दो देख बट दो आई वाज नन द वर्स फर हाविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज बुझीपार बट दो कि जदिओ आई वाज नन द ओर्स आई वाज नन द ओर्स हूँ गोटे इडियम बा गोटे लोक कथा जहाँ अर्थ हूँ टू नॉट टू बी हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग किसी क्षतिग्रस्त होगा तो मोर किसी क्षति हो नाला फर हाविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज आई हैड नो लॉस फर हाविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज नेग्लेक्टेड मैंने अवहेलित मुझे अवहेला कल एक्सरसाइज शिखबार ताजुक मोर किसी विशेष क्षति हो नाला गांधी कहते हैं आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी पेनाल्टी मैंने दंड तथा मुझे दंड पाँगी अफ अनदर नेग्लेक्ट आउ गोटे नेग्लेक्ट पाई बुझिपार कौन सीटा बुझिपार मैंने आउ गोटे नेग्लेक्ट गांधी गट अनदर लॉस फॉर हिज नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस आउ गोटे दंड से पाई आई डू नॉट नो व्हेन्स आई गट द नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन केत माइंड आसाला जे गोटे नोशन आईडिया दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जे गुड हैंडराइटिंग सुंदर हस्ताक्षर हूँ गोटे आवश्यक अंश नुह एजुकेशन रुझिपार बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेन्ट टू इंग्लैंड किंतु यही जो भावनाटा मो पाखे रिटेन ही रहा बलवत्त रही रहा जिते मुझे इंग्लैंड को गली तुम्हें जान इंग्लैंड जाइए कहीं बारिस्टरी पढ़ापाई व्वेन लैटर एस्पेशली इन साउथ आफ्रिका आई सॉ द ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मेन बोर्न एंड एजुकेटेड इन साउथ आफ्रिका आई वाज अशेम्ड ऑफ माइसेल्फ एंड रिपेंटेड ऑफ
my neglect. When later, kintu pore, especially in South Africa, when I was in South Africa, especially particularly Chotantra Bhabare, jetole mu South Africa re thilo na Africa re, I saw, Mahatma Gandhi saw that, what did he see? Kon dekhile? The beautiful handwriting of laws and young men born and educated in South Africa. South Africa re, jo beautiful handwriting thila, kahara sundar hasta kathila, the lawyers, ukilo manankara, aw young men born in, born and, jo young men mane, jo jubako mane, se mane janma hoiki, शिक्षित होते साउथ आफ्रिका रे आई वाज असेम्ड ऑफ माय सेल्फ मत निज निज बहुत लाज लगला एंड रिपेंटेड ऑफ माय नेग्लेक्ट रिपेंटेड अनुताप लगला जहा मु बहुत ढिला कर दे अबला कर दे मो गुड हैंड राइटिंग माय माय हैंड राइटिंग वाज सो बैड व्हाट कुड आई डू नाउ बट कौन करी किसी करें बुझिपार इट इज टू लेट बहुत डेरी हो गला आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग सुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन imperfect education मानो चित त्रुटिपूर्ण शिक्षा faulty education हमें कोई परिवा regarded considered पढ़ी चाहे तल I saw that I came to know that bad handwriting जहाँ handwriting टा बहुत bad अति कदर्च्य should be regarded should be considered as a sign of an imperfect education इटा गोटे त्रुटिपूर्ण शिक्षा रा sign लक्षण मतलब bad handwriting टा गोटे भल्ला जोन शिक्षित जी बोले हमें भाभीबा बा विचार करीबा कथा नुह बुझी बुझी मो कथ आई ट्राएड लैटर टू इम्प्रुव माइन बट इट व्वाज टू लेट सब जिनस कौ जो लेट हो जाए बहुत डेरी हो गला किसी करे ना आम पाखे चान्स था आम छुआ बेलू कर बड़ हो गले जिते बड़े आउ हैंड रईटिंग जिते सुधार कले हम ना आई ट्राएड लैटर टू इम्प्रुव माइन बुझी बुझी गांधी वॉन्टेड टू हाव गुड हैंड रईटिंग बट नेवर इट व्वाज इम्पॉसिबल फर हिम इट व्वाज टू लेट He could not have good handwriting in future. तंगर कभी भी good handwriting हाउ ही नो थिला. I could not never repair the neglect of my youth. मो जुबावस्था रा जो neglect में कोचिला का वो repair करी पारी नहीं, भरना करी पारी नहीं, बामो handwriting good हैला नहीं. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education. समस्त यंग मैन मानक ये गोटे एग्जांपल दे यंग मैन एंड ओमेन मानक अंडरस्टैंड दैट बुझा कथा जे गुड हैंड राइटिंग इज मैंडेटोरी और इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन यू हैव टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग तुम टीचर सब तुम्हें कहते सब तुम्हें भल हस्ताक्षर करके भल हैंड राइटिंग लेख गोटे इंप्रेशन आसो है ना नहीं बिकज गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन सब गोटे भल इंप्रेशन से सब कहते जिते डेरी हो पचे धीरे धीरे तुम्हें स्टार्ट कर भल अक्षर कर लिखापी बिकज गुड हैंड राइटिंग इज भेरी नेसेसरी पार्ट अफ एजुकेशन आई एम नाउ अफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन सुड फास्ट बी टॉट अफ द आर्ट अफ ड्रईंग बिफोर लर्णिंग टू रईट ताले गांधी कौन भावुंत निजर ओपिनियन देखते मतामत देखते कौन दैट चिल्ड्रेन सुड फास्ट बी टॉट द आर्ट अफ ड्रईंग पे प्रथम ड्रईंग शिखा दरकार ड्रईंग ड्रइंग शिखले कौन हम तर हाथ सैज हम बिफोर लर्णिंग टू रईट लिखा शिखा पूर्व ड्रईंग से छोट पे ड्रईंग शिखा हुए हाथ गोल हेर कैपासीटी हम अक्षर को ठीक से लिखा आम छोट बे समस्ते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहीं लिखू तीन टा गोल बोल आम हाथा ठीक से रोज सैज हम आम चक् धरी शिखा पेनसिल धरी शिखा से छुआ बड़े ड्रईंग शिखा जाए आम आंब करू कि पणस करूँ कि आज जहाँ भी चित्र करूँ सेतेबेले आम हाथा सैज हम बुझ लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन से लेटर गुड़ाक ऑब्जर्वेशन रे शिखब आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज ए फ्लावर्स बर्ड्स एटसेट्रा जितेबाला से ऑब्जर्वेशन कर किसी पर्यवेक्षण कर लक्ष्य कर कौन जितेबाला से कर आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बहुत गुड़ी ऑब्जेक्ट सच एज ए फ्लावर्स फुल कर बुझ फुल कला बेल बहुत लेटर पे शिखिज सेठी सी डी ई सब ए टू जेड पर्यंत किसी लेटर तर आसो बर्ड्स पक्षी मान चित्र कर ऑब्जर्वेशन कर ऑटोमेटिक तार हैंड राइटिंग गुड हो फ्यूचर रे एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हाज लर्न टू ड्र ऑब्जेक्ट्स तापर जो ऑब्जेक्ट करवा सी शिखिगलापर आम कौन करवा ना हैंड राइटिंग लर्न करने चान्स दबा बुझे बहुत सुंदर भाव लिखाई किसी असुविधा हेनी बुझी हेब हि विल देन राइट ए ब्यूटिफुली फॉर्म्ड हैंड सेतेबेले तार हाथ ठीक ठाक हो सुंदर हस्ताक्षर लिखिपार समस्त हस्ताक्षर तो सामान नुह आम छोट बड़े हस्ताक्षर को सजाड़ापी बहुत हस्ताक्षर लिखू इंग्लीश हिंदी ओडिया हस्ताक्षर खाता कि लिखू ठीक कथा छोट बेले जिते अक्षर सुंदर हो गले किसी असुविधा ना कि बड़े प्राक्ट कले बहुत असुविधा हो
ହେଇପାରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅତି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପାରା ଫାଇଭରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବୁଝିହେଉଛି। କେତେବେଳେ ସେ କନସିଡ଼ର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ବୁଝିହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଲସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆର୍ଟ ଶିଖା ହେବ କ'ଣ, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ପାରା ଫାଇଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତା'ପରେ ପାରା ସିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହାଉ ଏଭର୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ର୍ ଟାସ୍କ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ସଂସ୍କୃତ, ହାଉ ଏଭର୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ର୍ ଟାସ୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ର୍ ଟାସ୍କ ଥିଲା ବା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଥିଲା ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ। ବୁଝିହେଉଛି ଇନ୍ ଜୋମେଟ୍ରି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍। ଜ୍ୟାମିତି ଜୋମେଟ୍ରି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଜ୍ୟାମିତି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍, କିଛି ମନେ ରଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ହ୍ୱେର୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ ହାଡ୍ ଟୁ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଅଲ୍, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଥିରେ, ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଜୋମେଟ୍ରି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍, ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଂ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍, ହୁଇ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜୋମେଟ୍ରି। ହୁଇ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ର୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଅର୍ ହୁଇ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ, ହାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ବୁଝିହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ। ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କମେନ୍ସଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, କମେନ୍ସ ମିନ୍ସ ବିଗାନ୍ ଅର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ବୁଝିହେଉଛି ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ସିକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କଲି, ଅର୍ ହୁଏନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଇ ବିକେମ୍ ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲି ବା ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଦ ଟିଚର୍ ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର୍ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍, ଫୋର୍ସ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଦ ଟିଚର୍ ଶିକ୍ଷକ ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର୍, ମାନେ ସେ ବେଶୀ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖଟାନ୍ତି, ବହୁତ ଟାସ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ଆଙ୍ଗସିୟସ୍, ବହୁତ ରାଗି, ଆଉ ଆଜ୍ ଏ ଥଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲସେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଭାଲ୍ରି ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ସ, ଦେର୍ ଟୁ ଟିଚର୍ସ କଥା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନଦର୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍। ଉଭୟ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଇଭାଲ୍ରି ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ବି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିବ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଭାଲ୍ରି ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ସ, ମନେ ରଖିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍ ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଇଭାଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ଦୁଇ ଜଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପରସ୍ପର ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ହେଲା ରାଇଭାଲ୍ରି ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମନୋଭାବ। ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ୱାଜ୍ ଲିନିଏଣ୍ଟ, ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ବହୁତ ଲିନିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ମିଶାଣି ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ବହୁତ ମିଶିପାରୁଥିଲେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସଦୟ ଥିଲେ। ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଟକ୍, କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ, କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍, ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାର୍ସି ଭାଷା ବହୁତ ସହଜ, ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସିଡର୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କନ୍ସିଡରେଟ୍ ଅର୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ବିଚାରଶୀଳ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଫ୍ରି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ କନ୍ସିଡରେଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଦ ଇଜିନେସ୍ ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ମି, ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଲୋଭାନ୍ୱିତ କଲା ମୋତେ, କ'ଣଟା ଦ ଇଜିନେସ୍, ଅତି ସହଜ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ସହଜ ପାଠ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତି, ସବଜେକ୍ଟ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ ନିଅନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦ ଇଜିନେସ୍ ଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ ରାଇଟର୍ ଅର୍ ଦ ଅଥର୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍, ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୟାଟ୍ କଲେ କରିବା ବସିଲେ, ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ବା ଗ୍ରିଭ୍ଡ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ବା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଗ୍ରିଭ୍ଡ ବା ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ହି କଲ୍ଡ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ସେ ମୋତେ ଡାକିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର, ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦିସ୍, ତୁମେ କେମିତି ଏଇଟା ଭୁଲି ପାରୁଛ, କେମିତି
वैष्णव फादर मैंने तुम्हें संस्कृत शिखा कथा उन्नट यू लर्न द लांगुएज अफ योर ओन रिलीजन तुम्हें निज धर्म भाषा को शिखब ना कमी तुम्हें पार्सियन क्लास जॉइन करु उन्नट यू लर्न द लांगुएज अफ योर ओन रिलीजन इफ यू हाव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी आई एम देयर आई एम हियर हैव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑल योर प्रॉब्लम्स आई कैन फाइंड सॉल्यूशन सॉल्यूशन करि परिबो सबर सॉल्यूशन अछि तुम्हें मो पाख न आसी पार्सन कहीं तुम्हें क्लास को जाऊ इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट्स संस्कृत बेस्ड ऑफ माय एबिलिटी मु मोर एबिलिटी मुताबक मो दक्षता मुताबक जितकी मुझे जानी सबकि तुमको शिखेदेवि व्हाई नॉट कम टू मी मो भाव कहीं आसुन आज यू प्रोसीड फर्दर जिते तुम आगे प्रोसीड कर आगक जीव प्रोसीड मैंने आगे बढ़िया फर्दर आगे विल फाइंड इन इट थिंग्स अफ अब्जर्विंग इंटरेस्ट अब्जर्विंग इंटरेस्ट मीन इनक्रीजिंग इंटरेस्ट तुम इंटरेस्ट बढ़ो विल लर्न समथिंग किसी शिख तुम्हें यू सुड नॉट लॉस हार्ट तुम्हें आगे भूल ना लॉस हार्ट मैंने सुड नॉट फॉरगेट भूल ना कमन सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास पुणे आसिक संस्कृत क्लास बस बुझे पिला संस्कृत टीचर तेल आम ये संस्कृत आउ ज्योमेट्री कथा फास्ट पढ़ले व्विच वाज हार्डर टेस्ट था ना संस्कृत थी तेको सब मेमोरइज कर पड़ता कि ज्योमेट्री बहुत इजी थी नथिंग टू मेमोरइज बोली कहते संस्कृत टीचर आउ कर संस्कृत टीचर विषय में पार्सन टीचर विषय कहुई पिला पाने का बेस लाइक करते आम पढ़ीचे पार्सन टीचर को तापर कहीं द रईट चूज करते चूज द पार्सन क्लास और वन सैट इन द पार्सन क्लास कहीं अटेड करते आम से विषय जाने और कौन सजेसन देते आमर संस्कृत टीचर से विषय में आम पढ़ी बुझे तापर पारा सेभेन लास्ट को एकाथर सबुर मार्क तुमको देखेदेवी पारा सेभेन दिस काइंडनेस पुट मी टू सेव माने ये जो काइंडनेस काइंडनेस माने होची दयार भावना माय संस्कृत टीचर वाज वेरी काइंड आई वाज असेम टू सी माय टीचर्स काइंडनेस मो शिक्षक दया को देखिक मत बहुत खराब लगला बा लाज लगला बुझे आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माय टीचर्स अफेक्शन डिसरिगार्ड माने डिसरेस्पेक्ट मुझे टीचर अफेक्शन को स्नेह को आउ हतादर करी ना असम्मान करी ना आई हाड डिसाइडेड टू अटेंड संस्कृत क्लासेस मो संस्कृत क्लास नहीं बोले डिसाइड कली टुडे आई कैन नॉट पुट थैंक विथ ग्रैटिट्यूड टू कृष्णशंकर पांड्या मुझे धन्यवाद देवी मुझे जापार नहीं आई कुड नॉट रियलाइज हाउ टू थैंक हिम थैंक मिस्टर कृष्णशंकर पांड्या हुआज माय संस्कृत टीचर केमती धन्यवाद देवी केमती मो कृतज्ञता ज्ञापन करी ए जापार नहीं गांधी कहते फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्नड देन आई शुड हाव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर सैक्रेड बुक्स फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत जदि मुझे एक्वायर कर न था अर्जन कर न था टे इंटरेस्ट दे न था कौन ना से शिखि न था संस्कृत आई शुड हाव फाउंड इट डिफिकल्ट मत यहाँ बहुत डिफिकल्ट होता था टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर सैक्रेड बुक्स सैक्रेड बुक्स मीन होली बुक्स धर्मग्रंथ आम कहीपर पवित्र ग्रंथ गुड़ाक पढ़वे अध्ययन करार मोर एत आग्रह उत्साह आसी न था जदि मुझ था संस्कृत बुझिपार He had learnt little knowledge of Sanskrit then and that helped him read sacred books. Gandhi ko sacred books padhibare sahajya karthila kahiki na se pila bele kichi Sanskrit sikhithile ja Krishnashankar Pandya tanku class attend karibe advice dithile ebong se advice ko rakha kari tanku disrespect na kari e attend karthile ebong se jo Sanskrit sikhile Mahatma Gandhi tanku help karthila kon pai na to take any interest in sacred books or in reading sacred books. सैक्रेट बुक्स पवित्र ग्रंथ पढ़वर तक साग्रह प्रदान कर संस्कृत शिख ना से कमी पढ़ी था बुझे इनफैक्ट आई डीपली रिग्रेट दैट आई वाज नॉट बी एक्वायर ए मोर थ्रो मोर थरो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इनफैक्ट रियली आई डीपली रिग्रेट दैट इट वाज ए मैटर ऑफ कंसर्न आई वाज डीपली इन रिग्रेट जो मु बहुत मन दुख मोर जे आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर ए मोर थरो मो कंप्लीट नॉलेज मोर आसलानी थरोली मुझ पढ़ी पारे ना संपूर्ण भाव में और थरो नॉलेज आसला ना संस्कृत उपरे जदिओ किंतु मु किछि किछि सिखी थी किंतु जदि मु अधिक क्लास अटेंड करते थे हुए तो मोर पाठ भल मन रहता किंतु संपूर्ण संस्कृत मुझे सीखी पारे ना अधा अधा सीखिली से आई डीपली रिपेन्टेड बुझिपार ये विषय आम ए पढ़ले संस्कृत केमती हेल्प करता रिडिंग सैक्रेट बुक्स कहीं थैंकफुल होते कृष्णशंकर पांड्या क्वेश्चन जो हुई इज गांधी
सांस्कृत टीचर आंसर तुम देपर कृष्ण शंकर पांड्या बुझे पर्सन टीचर ना ये मेनसन कराईना आपको लिखते एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी फादर ऑफ नेशन आम पढ़ी फास्ट पार्ट्रे सुंदर भाव में तुम देखो से भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी अथर मैं पढ़ी बर्तमान तुम कम कौन ना होमवर्क करवा काम हो तुम तुम्हें नोट्स एंड ग्लोसरी को बहुत भल भाव में बनी रख पढ़ी फास्ट राइट साइड पढ़ो तापर लेफ्ट साइड पढ़ मन रख जमी कौन तुमको मन रख मनकर कंपिटिशन फर द सेम थिंग गोटे जिनस कंपिटिशन अच्छे राइवलरी नॉट स्ट्रिक्ट लेनिएंट बुझे एम सब मन रखा आम राइट साइड पढ़ की लेफ्ट साइड बोथ साइड मन रखा कथ तापर तुम जो पाराग्राफ वाइज देती पी ओन मैंने पारा वन अनुसार क्वेश्चन आंसर देती तार आंसर आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट भिडियो तुमको मुझ टाइम दूसरी तुम्हें निश्चित करनि मनु कर सारापर ही तुम्हें नेक्स्ट भिडियो देखो जब नेक्स्ट भिडियो शीघ्र पब्लीश होगा टेनसन नबार ना तुम मनु कर सार भिड तो आभेलेबुल रूट्यूब कटे जबार ना कि मन को करते भिड आज देखु आज भी करनी कि असुविधा नहीं नेक्स्ट भिडियो आम यार क्वेश्चन आंसर जो अच्छी 52 ताको आम डिस्कसन करवा सबूक गोटे भिडियो ता सहित जदि आमर वोकैबुलरी लैंग्वेज स्टडी टाइम है डिस्कसन करवा ना आ गए भिडियो आम करवा से व्यस्त होबार ना तुम कम हो मनु होमवर्क करने ट्राए कर आ डिफिकल्ट तो तुम्हें लिखि जितने मुझे नोट तुमको देखेदेवि से तुम्हें आउ थे लिखि नब तथा किसी असुविधा नहीं भाव सब डिफिकल्ट तुम आस तुम नेगेटिव प्रीफिक्स देखिए प्राक्ट करवा टेन्स फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए समस्त भल लगी भिडियो को आम सेयार करवा बुझे आम दुईट भिडियो टोटाल कम्प्लीट करदे ये चैप्टर टी पारा वन आम पार्ट वन टू थ्री पढ़ी ता सहित अबाउट द ऑथर पढ़ी और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ी यही भिडियो आम पारा फाइव फोर फाइव सिक्स सेवेन पढ़ले भिडियो तुमको निश्चित भल लगी जहाँ भी हो तुम्हें भिडियो लास्ट पर्यटन देख लुमक बहुत बहुत धन्यवाद भिडियो को तुम सांग सहित सेयार कर दियो एमती भिडियो जी चाहू सब तुम्हें पाइ बोली बेल आइकन जो अच्छी तुम्हें प्रेस कर सब्सक्राइब कर सारिक सब मो भिड देखु था कारण निश्चित इंग्लीश तुमको मोर चैनल अधिक नंबर रखे हेल्पफुल हम थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी हैप्पी थैंक यू।